हेलो, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। नमस्कार। ट्रेडिशनल पहाड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए और शानदार ब्लॉग के साथ। तो अभी दिन के बज गए हैं 10। कैसे समय जाता है पता ही नहीं चल रहा है। तो चलते हैं मेरे बहन के किचन में। और यहाँ पे सिलेंडर नहीं है, पाइपलाइन है गैस की, तो उसी पाइपलाइन से यहाँ पे आ रहा है। और ये मैंने बना रखी है आलू और मटर की सब्जी। और इसमें बना रखी है मैंने पहाड़ी मसूर की दाल, बिल्कुल घर है मसूर है इनकी दाल बना रहा है। और इसमें मैंने आटा गूंथ के रखा है। आटा इनका होल ग्रेन है, ये सारी कई अनाजों से मिक्स है। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें मक्का ज़्यादा है, काफ़ी दरदरा मोटा सा पिसा हुआ है। ये देखिए, ये इन्होंने आधे दर्जन अंडे लिए होंगे, यानी 6, तो इसको ऐसे वो किया हुआ है। और पता नहीं, मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ कि अंडों में भी मुहर लगी हुई है। हमारे यहाँ तो नहीं दिखते हैं ऐसे, हो सकता है शहरों में दिखते हैं। बड़ा अच्छा है ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसके अंदर हैं बहुत सारी सरल मशीनें। और ये सारी सरल मशीनें नाखूनों से रिलेटेड हैं। मुझे तो केवल इसमें एक चीज़ नेल कटर का ही यूज आता है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है इन उपकरणों का। शायद हम हो गए बाहर जाने के लिए तैयार, और देखते हैं कि आज हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो आपको भी वहाँ का भी दिखाएंगे। उनको तो आईपैड मिला हुआ है, बस इसी पे लगी पड़ी हुई है। देखो क्या कर रही हूँ, गेम्स खेल रही। कौन सा गेम खेल रही है? मैं बारबी वाला ही लगी पड़ी है। ये अकेले भी रह जाएगी घर के अंदर, है ना, जम जाएंगे तो। हम आ गए हैं साबरमती आश्रम में। आज हम घूमने वाले हैं साबरमती आश्रम गुजरात, जो महात्मा गांधी जी का एक प्रसिद्ध आश्रम है। तो मैं दिखाती हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या है, आप बने रहिए मेरे साथ। साबरमती आश्रम जिसकी स्थापना हुई थी 1917 में। ये सामने बह रही है साबरमती नदी, और इसी के किनारे है महात्मा गांधी जी का ये आश्रम। बहुत ही प्रसिद्ध रहा है ये आश्रम। ये चरखा, विभिन्न प्रकार के चरखे, और ये शॉल। ये पंजाब का है खड़ा चरखा, और सामने वाला है राजस्थान बाबू। ये सूत है, सूत छपुर कपास खादबी ने रेशा बना रखा ने एक। ये देखिए आप, गांधी जी के जीवन और चरखे से संबंधित कई चित्र यहाँ पर हैं। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी भी कात रहे हैं सूत। लाल बहादुर शास्त्री को देख, गांधी जी की हैंड राइटिंग। बाबू अपने हैंड राइटिंग के बारे में ये बोलते हैं कि मुझे हमेशा मलाल रहा कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी। के बारे में गांधी जी कहते हैं, इस चरखे पे इसमें लिखा हुआ है कमल मांझी ने 1924 में सबसे बारीक सूत की कटाई की थी। मैं बिल्कुल पुरानी तरह की ही, देखिए आप, रेलिंग है, सरिया है, और ये हमारे यहाँ इसका अगल संगोल उन्हें। पहले सब जगह शायद ऐसा ही चलता होगा, भारत के सभी प्रांतों में। बच्चों का टूर आया है शैक्षिक भ्रमण के लिए। बेत, ये है बेत। इसकी लड़नी कहते हैं बेंत की लकड़ी, बहुत मजबूत होती है वो। यही है, हाथी खाता है इसको, हाथी आता है इसको खाने के लिए। गांधी हेरिटेज पोर्टल साबरमती आश्रम,
खादी के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे? खादी इज नॉट जस्ट अ क्लॉथ, इट इज अ थॉट। खादी मात्र वस्त्र नहीं है, एक विचार है। यहाँ पे है पूरे आश्रम का मैप कि ये कितने एरिया में फैला हुआ है और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हैं। तो इसमें और यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत सुंदर बना रखा है। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात ही नहीं पूरे सौराष्ट्र की शान। दांडी कूच, वो दांडी जो हुआ था, कहाँ से शुरू हुई थी दांडी यात्रा? दांडी यात्रा शुरू हुई थी यहाँ पे जाके, खत्म हुई थी यहाँ से, शुरू थी अहमदाबाद से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से। नमक के विरोध में दांडी मार्च निकाला था महात्मा गांधी ने, और है अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, अंग्रेजों ने नमक पे कर लगा दिया था। तो अहमदाबाद के साबरमती यानी यहीं से, इस जगह से दांडी यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी जी ने, और यहाँ पे जाके खत्म हुई थी। तो इतना पैदल चले थे वो। अगर खून बहाना ही है तो वह अपना ही हो, आओ बिना किसी हत्या के हम शांति और साहस से मरें। गांधी जी के विचार। आश्रम में आज तक कितने आगंतुक आए हैं, मतलब कि सेलिब्रिटीज, ये देखिए क्वीन एलिजाबेथ भी यहाँ पर आई हैं 1961 में, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आए हुए हैं, दलाई लामा, राजीव गांधी, मैरी रॉबिन्सन, शंकर दयाल शर्मा, नेल्सन मंडेला, हेनरी रॉबिन्सन, क्लिंटन, इंद्र कुमार गुजराल जी, बिल क्लिंटन, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब आए जब ये सीएम ऑफ गुजरात रहे हैं। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम पूरी आई हुई है यहाँ पे, सुनीता विलियम्स आई हैं, स्पेस अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, वो इंडिया भी आई हैं, हाँ यहाँ आई हैं, प्रतिभा पाटिल आई हैं, उन्होंने सूट गाता हुआ है, मार्टिन लूथर किंग ये आए हुए हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी जी आए हुए हैं, जॉन फोर्बियस कैरी आए हुए हैं, प्रणव मुखर्जी आए हैं, बंकी मून भी आई हैं, और ये सी जिनपिंग आए हैं, देखिए मेंबर्स ऑफ कांग्रेस यूएसए ये आए हैं, मनमोहन सिंह जी आए हैं, आशी संजय चौडन वांगचू क्वीन ऑफ भूटान आई हुई हैं, और अमिताभ बच्चन भी यहाँ पर आए हुए हैं। गांधी जी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन के क्या विचार थे? देखिए कितना सुंदर विचार उन्होंने दिया हुआ है, आने वाली दुनिया शायद विश्वास भी नहीं करें कि एक ऐसे मनुष्य ने कभी धरती पर जन्म लिया। इसकी खास बात यह है कि जितना भी लिखा गया है सूत में लिखा गया, देखिए फाइबर्स निकले हुए, और कल्चर हमारी संस्कृति के बारे में क्या गांधी जी के विचार हैं? हर एक चिट्ठी बापू के नाम राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ पत्र जो हैं वो रखे गए हैं। विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने की थी। कुहू ने बहुत कुछ देख लिया, कुहू बैठ गया आराम से यहाँ पे। विदेशी मूल के भी लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। इंसान में जब विचारों का परिवर्तन होता है तो उसके जीवन का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, देखिए आप।
पूरे गांधी जी के चित्रों के द्वारा यहाँ पर किया गया है। ये देखिए यहाँ पे उनका पहनावा कैसा है और उनके विचारों में परिवर्तन आया, तो फिर उनके बाद उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ गया। वो बच्चों से प्रेम था। किताबों का संग्रह गांधी दर्शन।